हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। सो कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बच्चों, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें प्लेट एरिया ए है एंड द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज डी। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर सेम एरिया की और टी थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है रखी हुई है। और अब हमें इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों, इस सिचुएशन को हम कुछ इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं। यानी इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैंने राइट साइड में शिफ्ट किया है और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस टी है। सो द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी। सो दिस डिस्टेंस इज डी माइनस टी। यानी सेपरेशन बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड फ्रॉम द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। सो दिस इज द डी माइनस टी। और अब हमें इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों, इस कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं कि कंसीडर किया कि इसकी लेफ्ट प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, यानी पॉजिटिव चार्ज है इधर, और जो राइट सरफेस है, राइट प्लेट है कैपेसिटर की, जहाँ पर सेम चार्ज डेंसिटी होगी लेकिन पोलैरिटी में अपोजिट होगी, यानी माइनस सिग्मा होगा चार्ज डेंसिटी, दैट इज द माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की सरफेस पर चार्ज होगा ही। तो बच्चों, हमने माना कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज वी। सो दिस वी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। यानी ए प्लेट पर हाई पोटेंशियल होगा और जो आपका बी प्लेट है वहाँ पर लो पोटेंशियल होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। और हमने माना कि ये जो कैपेसिटर के अंदर फ्री स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई नॉट है, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई नॉट अपॉन के होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द फ्री स्पेस रीजन ऑफ कैपेसिटर लेट इट बी ई नॉट। और बच्चों, ये जो ई नॉट की वैल्यू होगी दैट ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दैट इज द ई नॉट अपॉन के होगी। सो ई नॉट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो दैट इज द सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो बच्चों, मैंने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की लेफ्ट सरफेस पर एक कोई पॉइंट पी कंसीडर किया। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी दैट इज वी। सो वी वी माइनस वी ए, क्योंकि बच्चों ये ए प्लेट हाई पोटेंशियल पर है, बी प्लेट लो पोटेंशियल पर है। सो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द वी ए माइनस वी बी। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इक्वल टू वी ए माइनस वी पी प्लस वी पी माइनस वी बी। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी बी। अब बच्चों, हम बात करते हैं वी ए माइनस वी पी, यानी ए और पी पॉइंट, यानी ए प्लेट और पी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको पता है दैट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन, दिस इज द डी माइनस टी। सो दिस इक्वल टू, यानी वी ए माइनस वी पी दैट इक्वल टू ई नॉट दैट इज द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी। सिमिलरली वी पी माइनस वी बी दैट इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन दैट इज द ई नॉट अपॉन के इनटू टी, वे टी इज द थिकनेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब।
So from here, Vp minus Vb, that equal to E equal to sigma upon epsilon naught. So putting the value of E naught here. So this is the sigma upon epsilon naught into K into T. So bachcho, putting the value of Va minus Vp and Vp minus Vb in equation first. So this Va minus Vp Vb. So this is the potential difference between the plates. So that equal to Va minus Vp. हम वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस वीपी माइनस वीबी, दैट इज द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इनटू टी। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, दिस पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। और बच्चों हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन द प्लेट, सो दिस इज द चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, ये हमें आपको पहले आपको बता ही चुके हैं। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए इन दिस इक्वेशन, सो दिस वी इक्वल टू, तो बच्चों जब हम सिग्मा और ए की मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, सो दिस इज द क्यू अपॉन ए इनटू एप्सिलॉन नॉट एंड दिस टर्म इज दैट इज द डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और बच्चों हमें पता है कैपेसिटेंस दैट इक्वल टू सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, मीन्स चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। सो फ्रॉम हेयर दिस सी इक्वल टू क्यू अपॉन, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ वी हेयर, सो दिस इज द क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सो फ्रॉम हेयर दिस सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन विच देर इज ए डायलैक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी हुज डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज के इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, दैट इज द एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। बच्चों ए यहाँ पर है प्लेट एरिया, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, T is the thickness of this dielectric slab and K is the dielectric constant of this slab। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है और मैं अभी फर्दर डिस्कशन के लिए नेक्स्ट शीट पर चलता हूँ। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया A है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D एंड ए dielectric slab ऑफ dielectric constant K इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। So this C equal to epsilon naught A upon D minus T plus T upon K। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। अच्छा बच्चों अगर ये डायलैक्ट्रिक स्लैब पूरे रीजन में भरी होती, सो यानी इस पूरे प्लेट्स के बीच में कम्प्लीटली फिल होती, तो ये जो T है यानी थिकनेस ऑफ दिस डायलैक्ट्रिक स्लैब विल बी इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तब बच्चों आपका इस केस में अगर हम डिस्कस करें, इस केस में T की जो वैल्यू है आपकी यानी जो थिकनेस है जिसकी वैल्यू आपकी D के बराबर होती। सो अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें T की, सो दिस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D, दिस इज T प्लस T की जगह आपने यहाँ पुट किया D, सो दिस इज द D अपॉन K। सो फ्रॉम हेयर दिस सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन के, सो के इज हेयर।
So from here, C equal to K epsilon naught A upon D. यानी अगर ध्यान से देखें तो ये C जो है दैट इज द K टाइम epsilon naught A upon D, और epsilon naught A upon D इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पेडल प्लेट कैपेसिटर इन एयर. यानी आपका अगर कंप्लीटली आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डायलैक्ट्रिक स्लैब से फिल्ड है या डायलैक्ट्रिक से फिल्ड है तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम होगी उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से, जो कि यानी जिसकी प्लेट्स के बीच में एयर है. अब बच्चों सेकंड केस देखते हैं, केस डिस्कस करते हैं, यानी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में सेपरेशन अभी भी डी है. और अब यहाँ पर दो डायलैक्ट्रिक स्लैब जिनका कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 है और जिनकी थिकनेस T1 एंड T2 है, तो अब हमें इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन लिखना है. तो बच्चों देखिए जो आपने एक्सप्रेशन लिखा था यहाँ पर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, माइनस T. सो हियर इज द माइनस T1 एंड माइनस टी टू, प्लस हेयर लिखा था आपने टी अपॉन के, सो प्लस टी वन अपॉन के वन, यानी थिकनेस ऑफ दिस डायलैक्ट्रिक स्लैब अपॉन डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ दिस डायलैक्ट्रिक स्लैब प्लस टी टू अपॉन के टू. तो अब ये इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी. और अगर बच्चों यहाँ पर n स्लैब रखी हुई हैं और हर एक का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट k1, k2, k3 अप टू kn है और थिकनेस t1, t2, t3 अप टू tn है, तो हम जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t1 माइनस t2 अप टू माइनस tn प्लस t1 अपॉन k1 प्लस T2 अपॉन K2 अप टू प्लस Tn अपॉन Kn. तो बच्चों अब आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, और आप अगर समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए.